गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। फिर हम शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, एक नया यूनिट के साथ। राइट साहब, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, समाप्त किए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या शुरू करने जा रहे हैं? अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पूरे क्लास 12 का सबसे बड़ा यूनिट है, क्लास 12 का सबसे बड़ा यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। ये 30 मार्क्स का है क्लास 12 में। राइट इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं इस यूनिट में कितना चैप्टर पढ़ना हम लोग को, फिर पहला चैप्टर का शुरुआत करेंगे। राइट चलिए शुरू करते हैं। ये देखो यूनिट 2, यूनिट 2 ये हम लोग का यूनिट हुआ। यूनिट 2 साहब, अकाउंटिंग अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ये चलना है, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर साहब? पढ़ोगे सीबीएसई 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें, 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई। राइट अब इस 30 मार्क्स के लिए कितना चैप्टर हमको डिस्कस करना है ये देख लीजिए। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं था हमारे सिलेबस में, ये यूनिट और इंपॉर्टेंट था। अभी ऑब्जेक्टिव आने के से सब चैप्टर्स कुछ ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का आ गया, अब लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया। राइट पढ़ना ज्यादा है, क्वेश्चन कहीं से आएगा कम आएगा, लेकिन कहीं से आएगा, इसलिए सारा चीज अगेन पढ़ना हम लोग को। राइट फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप से, उसके लिए हमको एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, डेथ पढ़ना है, जहां तक डिजोल्यूशन भी पढ़ लेना है, हो सकता है डिजोल्यूशन से आज 8 मार्क्स का। सोचिए, क्लियर? अब आगे चलते हैं दोस्त, देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर इस यूनिट का तो साहब ये चैप्टर 2 कहलाएगा, ये चैप्टर 2 कहलाएगा साहब, चैप्टर 2 कहलाएगा। देख लीजिए सर, क्यों चैप्टर 2 कहलाएगा? क्योंकि चैप्टर 1 आपका एनपीओ था, चैप्टर 1 आपका एनपीओ था। ठीक है चलिए आगे। फिर चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जिसको हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन शुरू, आज ही शुरू इंट्रोडक्शन, कम से कम डिफिनेशन देख लेंगे हम लोग आज। राइट साहब, चैप्टर 3 नेचर एंड वैल्यूएशन
नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 11 क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही जाने, बहुत जाने तो सिर्फ इतना ही जाने कि गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स होता है, और कुछ जाने तो यही जाने गुडविल इनटेंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। सर क्यों, वाई इनटेंजिबल है बस फिक्टिशियस नहीं है? साफ, फिक्टिशियस एसेट्स को हम सेल नहीं कर सकते, उससे पैसा रियलाइज नहीं कर सकते, बट गुडविल कैन बी सोल्ड। गुड, सो गुडविल इनटेंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। फिर से, फिक्टिशियस एसेट्स को हम सोल्ड नहीं कर सकते, बट गुडविल कैन बी सोल्ड, नॉट इंडिविजुअली बट अलोंग विद द बिजनेस। राइट, आगे चलते हैं दोस्त, चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 4, चेंजेस, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग एग्जिस्टिंग पार्टनर देख लीजिएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी पार्टनरशिप जिस एग्रीमेंट से शुरू हुआ था, कुछ दिन चलने के बाद रेशियो चेंज हो गया, एबीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, और 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट लॉस इक्वली, रेशियो चेंज हो गया, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये सीखना हम लोग को। साहब चैप्टर फाइव हम लोग सीखेंगे, एडमिशन राइट, जो कि यहां के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट सर, देख लीजिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर राइट सर, क्यों रेट से आपने लिख दिया, क्योंकि साहब जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है इसी से आएगा साहब, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्लियर। अब आगे चलते हैं, एडमिशन जैसे आप पढ़ लीजिएगा चैप्टर 6 आपके लिए आसान हो जाएगा। सर क्या नाम है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर ऑफ अ पार्टनर ये फिर यूनिट आसान हो जाएगा, और जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है इसी 2 यूनिट से और करके आता है, चाहे एडमिशन से रहेगा चाहे रिटायरमेंट से रहेगा। बहुत अच्छा, चलो लास्ट चैप्टर क्लियर, चैप्टर 7 चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म राइट, डिसोल्यूशन मतलब साहब हम वाइंड अप कर देंगे,
क्लोज कर देंगे पार्टनरशिप फर्म को। तो यहां दो वर्ड से शुरुआत करना है चैप्टर को, एक डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब डिजोल्यूशन ऑफ ओनली पार्टनरशिप नॉट फर्म, ओनली डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी चेंज इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बदलेगा, द बिजनेस विल कंटिन्यू, बट इन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस विल क्लोज डाउन, बिजनेस क्या हो जाएगा बंद, राइट। आगे चलो, हाँ सर, सर अब ये सर चीज बता दो सर, ये जो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप 30 मार्क्स का, सर किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा, ये सीबीएसई नहीं बताया, ये हम लोग एनालिसिस करके सीखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से, चाहे इस साल का क्वेश्चन पेपर से, कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का सीबीएसई दे रहा है, एनालिसिस करके हम लोग सीखेंगे। लेकिन हाँ, सीबीएसई ये जरूर बताएगा किस 30 मार्क्स से कितना 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, कितना 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, ये सीबीएसई जरूर बोलेगा आपको, राइट। सर बताइए कैसे पूछेगा सीबीएसई, देखते हैं कैसे पूछता है सीबीएसई, ये देख लो कैसे पूछता है सीबीएसई, यहीं पे एनालिसिस कर लेते हैं ना, यहीं पे एनालिसिस कर लेते हैं, मार्क्स का एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, मार्क्स का एनालिसिस कर लेते हैं। ये 30 मार्क्स सीबीएसई कुछ ऐसा पूछेगा, सब 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, राइट, साहब प्लस 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, प्लस 1 मार्क्स का कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, साहब आप देख लो, देख लो, चेक करते हैं 30 हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं साहब, 4 4 4, 12 और 8 20 और 10 30, हाँ चलो सही, ये क्वेश्चन सीबीएसई का पैटर्न है, इसको आप देख लेंगे। आ रही है बात समझ में, हाँ सर। तो सबसे पहला यूनिट हम लोग शुरू करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, राइट। सबसे पहला यूनिट शुरू करेंगे क्या चीज, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब उस देखते हैं उस टॉपिक में क्या पढ़ना है हम लोग को, क्लियर। आइए देखते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या हम लोग को पढ़ना है टॉपिक में, क्लियर सर। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप मतलब साहब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे हम पार्टनरशिप का, फॉर एग्जांपल व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनर, व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म, व्हाट इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये आपको सिखाएंगे हम, फिर डिफिनेशन सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसका फीचर सिखाएंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये सब सीखेंगे हम लोग एक एक करके, क्लियर। आगे चलते हैं दोस्त, देखते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इंट्रोडक्शन, साहब चैप्टर 1 पार्टनरशिप यूनिट का चैप्टर 1, हम लोग लिए चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर से बताता हूं सीबीएसई चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया है, पिछले साल का एनालिसिस करने, क्वेश्चन पे एनालिसिस करने के बाद ही हम सीख पाएंगे। सर एनालिसिस आपने किया, हाँ हमने किया, सर कितना मार्क्स,
अप्रोक्स 10 मार्क्स, अप्रोक्स व्हाट 10 मार्क्स, 8 टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से रहेगा, आप देख लीजिए राइट। हाँ सर बताइए सर, तो सर इसमें क्या पढ़ना हम लोग को फंडामेंटल में, तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे, सबसे पहले आपको हम बताएंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले ये बताएंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप सर, फिर मीनिंग के बाद फीचर्स या एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर क्लियर, पहला हम लोग पढ़े मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फिर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर पढ़ लेंगे फीचर के बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर ये हम लोग सीख लेंगे राइट। सीबीएसई में राइट्स है ड्यूटीज नहीं है, उसके बाद भी हम ड्यूटीज सीखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, एंड पार्टनरशिप फर्म ये हम लोग देख लेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म ये भी सिलेबस में नहीं है हम लोग का राइट, ये भी सिलेबस में हम लोग का नहीं है। चलिए उसके बाद भी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे समझने के लिए कि कोई भी केस स्टडी या क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए हम लोग को राइट। क्लियर? हां सर क्लियर। नेक्स्ट साहब, पार्टनरशिप डीड, जिसको हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्लियर, और एक भी टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारा टॉपिक हमसे पढ़िएगा, क्लियर, सारे टॉपिक हमसे डिस्कस करवाने की जरूरत है। आ रही है बात समझ में? हां सर आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रूल अप्लीकेबल चाहे साहब, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ
प्रोविजन एज पर इंडियन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस In the absence of partnership did. यहां तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आ रही है बात समझ में? हाँ सर। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे preparation of profit and loss, what appropriation account, profit loss appropriation account, profit loss appropriation account. सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट, जब क्लास हम 11 में थे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए उसके बाद पीएल अकाउंट बनाए, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के पहले वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा या प्रोडक्शन अकाउंट बनाएगा. क्लियर? अब आगे चलते हैं. तो प्रोडक्शन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट. अब आते हैं, अगर पार्टनरशिप फॉर्म इसी में हो गया तो आफ्टर द पीएल अकाउंट इट विल प्रिपेयर, वो बनाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इन हिंदी वी कॉल्ड लाभ हानि विभाजित खाता, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फिर इसके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब इसको बनाएंगे तो इसके बारे में सीखेंगे हम लोग, नोट सीखेंगे कुछ के बारे में. सर क्या? आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड items which are appropriation of profit. Right? ये PL appropriation का सबसे important topic है, जो कॉन्सेप्ट को और इनरिच बना देता है, क्वेश्चन को और इनरिच बना देता है. राइट? इसके बाद जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे, सारे पार्टनर पूछने लगेंगे कि मेरा हिस्सा कितना है. हम लोग को उनका हिस्सा बताना पड़ेगा, हिस्सा फाइंड करना पड़ेगा, टोटल पैसा उनके हिस्से में कितने हैं वो हम लोग को बताना पड़ेगा. इसके लिए फिर हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. राइट साहब, इस कैपिटल अकाउंट को हम लोग दो तरह से बनाते हैं, एक साहब फिक्स कैपिटल मेथड
और साहब फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसको फ्लोटिंग कैपिटल मेथड भी बोलते हैं। कैसे? आपका बैंक में दो अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। और कभी काल सिर्फ करंट अकाउंट होता है, कभी काल सिर्फ बैंक अकाउंट होता है। तो देखना पड़ेगा हमको कि पार्टनर फिक्स मेथड से बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट कि करंट अकाउंट मेथड से बना रहे हैं। राइट, आगे चलते हैं दोस्त। जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप सीख लिए, अब चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होगा। सर क्या न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होगा? देखिए क्या न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो रहा है आपके लिए। साहब आपको सिखाया जाएगा कैलकुलेशन ऑफ द फॉलोइंग, इन सब चीज का कैलकुलेशन आपको सिखाया जाएगा। राइट, सिंपल क्वेश्चन लेके भी, एडवांस क्वेश्चन लेके भी, ठीक है सर? एडवांस क्वेश्चन मींस लैंग्वेज को सिखाया जाएगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कैसे बनेगा वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नंबर वन। सर क्या सीखेंगे इसमें? कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी। नंबर टू, साहब पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर कमीशन। नंबर थ्री, साहब पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। साहब जैसे पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सीखेंगे, आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा जो इस कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। सर क्या नोट में बताइए? सर नोट में ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल, ये सिखाया जाएगा यहां के लिए। राइट, सर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो 100% आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इट विल रिड्यूस द कैपिटल, वो कैपिटल घटा देगा, इट विल इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तब ड्रॉइंग विल डेबिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। राइट, आगे चलते हैं दोस्त। जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे हम लोग। साहब फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, पार्टनर्स व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सीखेंगे साहब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर यहां पे ध्यान देना है, दो केस में सीखेंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में केस में क्या होगा, इन केस ऑफ लॉस के केस में क्या होगा। राइट, अब आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे चलो। अब ये देखो, चलें एक छोटा सा क्वेश्चन, उसको क्लियर कर दे हम लोग। पूरा सिलेबस 100 मार्क्स का हम लोग का है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 80 मार्क्स का के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यानी हमारे सिलेबस में 80 मार्क्स का तैयारी करना है हम लोग को। एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 60 मार्क्स का पार्ट ए और 20 मार्क्स का पार्ट बी, 60 और 20, 80 और फिर उधर का 20 प्रैक्टिकल, 100। और ये 60 मार्क्स के लिए 3 यूनिट पढ़ना हम लोग को, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी। एनपीओ 10 मार्क्स, पार्टनरशिप शुरू किए अभी 30 मार्क्स के लिए, और 20 मार्क्स के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपनी, राइट। और इसी 80 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और सबके साथ एक एक मार्क, एक एक क्वेश्चन इंटरनल चॉइस रहेगा। 8 मार्क्स में दोनों में इंटरनल चॉइस रहेगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं, फिर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो दोस्त, आगे चले। एक अच्छी चीज बताते हैं, याद पड़ गया बता दे रहे हैं, अच्छी चीज बता रहे हैं पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। साहब अगर डिट में लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, दे देंगे। डिट नहीं है, नहीं देंगे। डिट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, 10% देना है, और क्वेश्चन में लॉस आ गया तो नहीं देंगे। अगर डिट में दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लॉस के केस में भी देना है, तो लॉस आया तो भी देंगे। अब मेरा क्वेश्चन डिट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और फॉर्म को प्रॉफिट भी हुआ है, बट रेट इज नॉट गिवन, जल्दी से जवाब मत दीजिएगा कि सर 6%। अरे बेकूफो, 6% पार्टनर्स एडवांस पे इंटरेस्ट मिलता है, क्लियर। जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन रेट मिसिंग है, रेट क्या है बताओ, मिसिंग है, तो फिर किस रेट से देंगे? प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन, लॉस से तो नहीं देंगे, नो डाउट, प्रॉफिट है, तब क्या होगा सर, क्वेश्चन मार्क, राइट। आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कमीशन पढ़ लिए, राइट। नेक्स्ट साहब, क्रिएशन ऑफ रिजर्व और जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, क्या केस दिया हुआ, 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। देखते हैं फिर इसके बाद, चैप्टर समाप्ति की ओर आएगा, कैलकुलेशन सीख लिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख लिए, फिर सीखेंगे हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले, आप सैलरी निकाले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाले, आपने निकालने में गलती कर दिया, तो फिर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, फिर हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट, राइट। कुछ ओमिशन हो गया, कुछ एरर हो गया, तो उसको हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, आ गई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। फिर चैप्टर का लास्ट टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, क्या साहब, गारंटी ऑफ प्रॉफिट,
गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर, टू द पार्टनर, यानी पार्टनर को हम गारंटी देंगे, पार्टनर या पार्टनर्स, पार्टनर को हम गारंटी देंगे कि पार्टनर ए, पार्टनर बी या पार्टनर सी, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट इस साल इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, सैलरी के साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, कमीशन के साथ, राइट? हाँ सर, आगे चले। और ये मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दोनों केस में सीखना हम लोग को, याद रखिएगा दोनों केस में, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट और साहब इन केस ऑफ लॉस, राइट? ये पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इतना डिस्कस करना है हम लोग को, पूरे पार्टनरशिप फॉर्म में इतना टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना था। आप देख लीजिए कितना हम लोग को डिस्कस करना था पूरे पार्टनरशिप फॉर्म में। ये कॉन्साइज फॉर्म में आपके सामने, मैं फिर से रीड कर दे रहा हूं साहब एक बार। सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे पार्टनरशिप का, फीचर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, प्रोविजन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? फिर कैलकुलेशन ऑफ फॉलोइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी ऑफ प्रॉफिट, राइट? प्रयास करेंगे भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है? शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या शुरू करते हैं? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखते हैं साहब, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखते हैं हम लोग। क्लियर? अब ये देखिए सबसे शुरू करते हैं हम लोग। नंबर वन, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट? क्लियर? देखिए दोस्त और सीखिए दोस्त, फंडामेंटल ऑफ पार्टनर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप क्या होता है ये बताइए राकेश सर हम लोग को, क्या होता है पार्टनरशिप ये बताइए। क्लियर? चलो देखते हैं क्या होता है पार्टनरशिप, समझिएगा दोस्त क्या होता है पार्टनरशिप, देखिएगा दोस्त क्या होता है पार्टनरशिप। ये देखो P for partnership, right? In Hindi, we call sazdari. P for partnership, साहब हम तो जानते हैं P for partners, P for partnership, साहब P for partnership firm और साहब P for partnership accounting, partnership accounting,
क्लियर। अब देखते हैं साहब, एक एक देखते हैं क्या होता है साहब, एक एक देखते हैं। सर ये पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है और पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होता है, सर हम लोग को बता दीजिए। ठीक है, देख लीजिए फिर पार्टनरशिप शुरू करते हैं हम लोग। ये देखो सर, पार्टनरशिप SHIP सिप लगा हुआ है ना, फ्रेंडशिप क्या शो करता है, एक रिलेशन शो करता है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन साहब, ये एक रिलेशन है, एक रिलेशन है। और क्लास कभी नहीं मिस करना है, कभी क्लास मिस करने का प्रयास नहीं करना है, सारा वीडियो देखना है, सीखना है, अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं मिस करना है। एक रिलेशन है सर, इधर में रिलेशन का मतलब, सर इधर में रिलेशन का मतलब क्या हुआ साहब, रिलेशन मींस सीखिएगा, रिलेशन मींस it is created by contract, not by status, not by status। साहब ऐसा रिलेशन जो स्टेटस से बना है इसको हम लोग रिलेशन नहीं बोलेंगे, ऐसा रिलेशन जो एग्रीमेंट से बना है, कॉन्ट्रैक्ट से बना है, उसको हम लोग को पढ़ना है रिलेशन। आई बात समझ में? सर स्टेटस क्या होता है मेरे को बता दीजिए, अभी बताते क्या होता है स्टेटस। आप क्लास 11 में HUF पढ़े थे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, वहां पे एक फीचर होता था साहब, क्या फीचर होता था, टोटल फैमिली बिजनेस इज कैरिड बाय द फैमिली मेंबर्स, राइट। और उस फैमिली में अगर किसी नए बच्चे का जन्म होता था, न्यू बॉर्न चाइल्ड, फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ ही इज कॉल्ड एज मेंबर ऑफ दैट फैमिली बिजनेस। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वेदर इट विल बी इन ओरल फॉर्म और वेदर इट विल बी इन द रिटन फॉर्म, नो प्रॉब्लम। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तो साहब यहां पे हम लिख दिए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन ही होता है। क्लियर? तो इधर रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट स्लैश एंड ऐसे कर दीजिए, ज्यादा सुटेबल हो जाएगा साहब जी, कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा कम पावरफुल वर्ड एग्रीमेंट कर दीजिए। चलिए ठीक है, एग्रीमेंट कर देते हैं, थोड़ा कम पावरफुल वर्ड एग्रीमेंट। क्लियर? तो क्या सीखे, रिलेशन इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टेटस और फैमिली रिलेशन, इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, नो प्रॉब्लम, राइट। नाउ तो फिर से पार्टनरशिप क्या है बताओ, रिलेशन है। तो राकेश सर पार्टनर्स किसको बोलेंगे जब रिलेशन बनाएंगे हम लोग, तो साहब दो मेंबर चाहिए मेरे को, दो इंडिविजुअल चाहिए मेरे को, तो पार्टनर्स साहब इंडिविजुअल इंडिविजुअल मेंबर्स को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कॉल्ड पार्टनर, राइट। ठीक है, और साहब ये इंडिविजुअल मेंबर साहब नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है,
और एंड आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। मैं सिर्फ टर्म को डिस्कस कर रहा हूं, राइट? तो साहब, व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, बिटवीन पार्टनर, बिटवीन पर्सन। व्हाट इज पार्टनर? इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स, इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स। सर, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? सर, पार्टनरशिप फर्म क्या है? ये देखो, पार्टनरशिप फर्म क्या है? कलेक्टिवली ये देखो दोस्त, ठीक है, कलेक्टिवली पार्टनर्स कॉल्ड एज फर्म। साहब, कलेक्टिवली उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्म बोलेंगे। और द नेम अंडर विच द पार्टनरशिप फर्म कैरिड, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म नेम। फिर से एक बार देख लो। सर, व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज अ रिलेशन। व्हाट इज पार्टनर? इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड पार्टनर। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? कलेक्टिवली पार्टनर्स कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म, राइट? आगे चले। हाँ सर, चलिए ना सर। सर, पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होता है? साहब, ये सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट है साहब। ये क्या है साहब? बुक्स ऑफ अकाउंट है, याद रखिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे हम मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। दैट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर? आगे चले। तो अपने से डिफिनेशन कल पढ़ के आप रेडी रखेंगे, आपको राकेश सर पढ़ाएंगे डिफिनेशन, देखिएगा, राइट? इतना को सारा को मुगब कर लेना है, याद कर लेना है, और तैयार रहना फिर किसके लिए? डिफिनेशन के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को डेप्थ में जाना पड़ेगा, राइट? थोड़ा सा डेप्थ में हमको जाना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? वन क्वेश्चन सर, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, कल डिफिनेशन बताएंगे, सब चीज सिखाएंगे, लेकिन तभी आज थोड़ा सा सीख ही लीजिए। नेचुरल पर्सन मतलब इंडिविजुअल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, यानी दो कंपनी मिलकर पार्टनरशिप कर सकती है, राइट अंकित? दो कंपनी मिलकर पार्टनरशिप कर सकती है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आई बात, राइट? एक बच्चा और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सर 1932 के पहले पार्टनरशिप नहीं था क्या? जी था, बट इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, चैप्टर 11 में था पार्टनरशिप। क्लियर? वहां पे सेक्शन पे चैप्टर 11 में गवर्न होता था, कल डिस्कस करेंगे डिफिनेशन के साथ। दीज आर द पार्ट ऑफ डिफिनेशन। क्लियर? आज क्लास यहीं पे हम लोग ऑफ करते हैं। विश यू गुड टाइम, डोंट मिस द क्लास, राइट?